हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट लेके आ गई हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी एम्स नर्सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, एम्स नर्सेट का, जिसमें कि ये आपकी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को आप लोग फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। मैं भी आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड बाई, राइट आंसर उसका हो जाएगा, इसका राइट पॉइंट मत आंसर, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, देखिए, फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड बाई, फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड जेनर थे, और फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वॉज द, कौन था ये? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। और कौन कौन सी वैक्सीन थी? तो स्मॉल पॉक्स, फर्स्ट वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? चरक। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, बहुत ही वीडियो में बहुत ही नंबर मतलब गेन करने वाले, बहुत ज़्यादा नंबर इससे आपके नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। एक एक सिंगल लाइनर के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी वीडियो के लिए मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? सुशास्त्रा, सुशास्त्रा। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स। ये देखिए आपको ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे पूरा की पॉइंट लगा के वीडियो तो नहीं मिलती है। मैं भी देखती हूँ, मुझे तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर मिलती है तो ठीक है। इसलिए वीडियो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जी और बच्चों की भी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। फादर ऑफ मेडिसिन इज, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या होता है? कॉलरा। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, ये देखिए क्वेश्चन आपके बिहार सीएचओ में आया था अभी। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, जॉन सो। नेक्स्ट देखते हैं। मैन इज ओनली रिजर्वर फॉर, राइट आंसर इसका हो जाएगा पोलीमेलाइटिस एंड मिजल्स। हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज क्या हो जाएगा? लेप्रोसी, लेप्रोसी हो जाएगा। हैंसन डिजीज ऑल्सो नोन एज लेप्रोसी, इसको हम लोग थोड़ा और शॉर्ट में करते हैं ऐसे, तब आएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। 8 days डिजीज इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेटनस न्यूनेट्रम। नेक्स्ट देखते हैं। द डिजीज के एज 3 days मिजल्स इज, इसका हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर इसका रूबेला हो जाएगा। स्वाइन फ्लू, ये आंसर तो नहीं पॉइंट ही है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 वाज डिक्लेयर्ड पेंडेमिक इन, तो कब हुआ था ये? ईयर 2009 में हुआ था ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मिजिल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजिल्स। मम्प्स इज ऑल्सो नोन एज रूबेला। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट वाज हिपो, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट वाज कौन था? हिप्पोक्रेट्स थे। बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिप्थीरिया टिटनेस रैबिज। नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एपिडेमिक फर्स्ट केस टू कम अटेंशन टू इन्वेस्टिगेटर इज, इंसिडेंस इंडेक्स केस्ट, इंडेक्स केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में नर्सिंग के पूछा गया ये पॉइंट। क्वारंटीन वाज फर्स्ट यूज द डिजीज इज प्लेग। नेक्स्ट देखते हैं।
स्वाइल वाज, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं क्योंकि आप लोग को शायद थोड़ा दिक्कत हो। सॉइल एक्ट एज रिसीवर फॉर टेटनस एंड एंथ्रैक्स, कैरेक्टरिस्टिक बुल नेक अपियरेंस अकर्स इस किस, मतलब इसको देखिए आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि बुल नेक किस में हो जाती है। मेरी एक वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन था कि बुल नेक मतलब बैल के जैसी गर्दन किस में हो जाती है, तो डिप्थीरिया में हो जाती है। नेक्स्ट, कॉपलिक स्पॉट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिजल्स। बायोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज टीबी, सॉरी 100 डे कफ, इसको देखते हैं 100 डे कफ इज, इसको किस नाम से जाना जाता है, वोपिंग कफ, पर्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। बायोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज टीबी। वाइट प्लेग टीबी इज, वाइट प्लेग टीबी इज, वाइट प्लेग क्या है, टीबी है। ब्लैक डेथ टर्म इज यूज फॉर प्लेग, ब्लैक सिकनेस वाज काला आजार। डेंगू वंस हैज 4 स्क्रोटाइप्स, ब्रेक बोन फीवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेंगू। सिम्स डिजीज इज एड्स, एड्स को सिम्स डिजीज को एड्स के भी नाम से जाना जाता है। नेगरी बॉडीज इंसुलिनेशन बॉडीज न्यूरॉन्स आर सीन इन रैबीज। द रैश लुकिंग लाइक ड्यू ड्रॉप ऑन स्किन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चिकन पॉक्स। रैश ऑफ पोलियोमेलाफ्राइटिस इन चिकन पॉक्स। एन एस यू, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक एन एस यू इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसका ये फुल फॉर्म है। स्टैंड बाई पूछ सकता है कि एन एस यू का स्टैंड बाई क्या है, तो आप लोग बता देंगे न्यू दिल्ली नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज चेन्नई। निहाम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोलॉजिकल इज बेंगलुरु। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मैं आप लोग को कह रही हूँ कि ये सब पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में तो पक्का पूछने वाले हैं, जैसे कुछ भी आपके 2-3 तो इसमें से पक्का नंबर आपका फिक्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज हैदराबाद। आयुष इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ NRHM। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कटरैक्ट। मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इज हाइपरटेंशन। लोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाइपरटेंशन इन न्यू दिल्ली। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पम्प्स इज एस्पेक्टिक मेनिंगाइटिस। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ, मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि बच्चों को कितने दिन तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, मतलब इज रिकमेंडेड जैसे NRHM के द्वारा कितने दिन तक रिकमेंडेड है, तो फिर इसको आप लोग बता सकते हैं 6 मंथ तक मैंडेटरी होता है। कॉमनेस्ट फूड पॉइजनिंग इज स्टेफलोकोकाई फूड पॉइजनिंग, सो इकोलाई भी बोलते हैं। मैटरनल एंटीबॉडीज डू नॉट अकर फॉर पर्टोसिस। मैन इज डेड एंड होस्ट फॉर टेटनस एंड रेबीज। मोस्ट पोटेंट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज रिपाम्पिसिन। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टू डेवलप रेसिस्टेंस आइसोनिजाइड। फर्स्ट कंट्री टू स्टेट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल, इसका हो जाएगा इंडिया। फिर ये नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कंट्री टू स्टेट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एट नेशनल लेवल इज राइट आंसर इसका इंडिया, इसका हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मैं अभी और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं उसके एनाटॉमी के की पॉइंट लेके आऊँगी, जिसमें आपके नियर अबाउट मतलब 1000 की पॉइंट रहेंगे, जिससे कि आपकी पूरी एनाटॉमी एकदम मैं कंप्लीट करा दूँगी, कि एनाटॉमी में कहीं से अगर कुछ भी आप लोग के एग्ज़ाम में पूछता है तो उस 1000 की पॉइंट में आप लोग के लिए सब कुछ वो कवर करा दूँगी मैं। आप लोग मन से पढ़िए भैया फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से पढ़िए
और मेहनत से, क्योंकि जॉब करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग को बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।